संसद की कार्यवाही में लगातार गतिरोध पैदा कर रही कांग्रेस अब खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के पक्ष में उतर आई है। संसद में कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का खुलकर समर्थन कर दिया है। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अमृतपाल सिंह पर जबरदस्ती NSA लगाकर जेल भेजा गया है। साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अमृतपाल को लोकसभा में बोलने से रोकना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। और संसद सत्र के चौथे दिन आज लोकसभा में शुरुआती कार्यवाही के दौरान हंगामा देखने को मिला। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष बजट पर चर्चा के दौरान राजनीति नहीं बल्कि सिर्फ बजट की ही बात करे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर विरोध जताया। उन्होंने हंगामा कर रहे विपक्षी दल से संसद की मर्यादा के अनुसार शांति बनाए रखने की अपील की। और वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के रवैये की आलोचना की और कहा कि पहले दिन बजट पर चर्चा ना करके विपक्ष ने सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी की है। रिजिजू ने इस बात की भी निंदा की कि विपक्ष पीएम मोदी को गाली देने का काम कर रहा है जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।